अहम खबर है, वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत दरबार हॉल सेक्रेटेरिएट में आला सतह का इजलास, महकमों की कारकर्दगी बारे तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। मरियम नवाज़ का कहना है कि मालियाती उमूर में शफाफियत पर समझौता नहीं होगा, कोई सियासी भर्ती नहीं होगी, मेरिट की खिलाफ वर्जी ना करूँगी और ना होने दूंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत दरबार हॉल सेक्रेटेरिएट में आला सतह का इजलास जारी है, महकमों की कारकर्दगी बारे तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। तफसीलात जान लेते हैं, सोहेल अब्बास बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। सोहेल, बताइएगा कौन सा अहम इजलास जारी है और मजीद क्या मसरूफियात रहेंगी वज़ीर आला की? जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत जो सिविल सेक्रेटेरिएट हाल है में जो है वो इजलास जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को महकमों के अफ़ाल के बारे में जो है वो कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी जा रही है। चीफ सेक्रेटरी ज़ैद ज़मान अख्तर, चेयरमैन PND, सेक्रेटरी हेल्थ, सेक्रेटरी खजाना समेत दीगर जो है वो मरियम नवाज को ब्रीफिंग दे रहे हैं, जबकि मालियाती अमूर में शफाफियत पर समझौता नहीं होगा। मरियम नवाज का ये भी कहना था कि सेहत और दीगर शोबों में अवामी अफादियत के मनसूबे जारी रखे जाएंगे, खिदमत के जज्बे से सरशार ज्ञानदारों और अफसरों के जो है वो सलूक है, जबकि उन्होंने ये भी कहा कि मेरिट के खिलाफ वर्जी ना करूंगी और ना ही किसी को करने दूंगी, कोई सियासी भर्ती नहीं होगी। हलफ बर्दारी के बाद से जो है वो तमाम तर काम जो है उनका आगाज कर दिया गया और दीगर आवाम को जितना हो सकता है वो रिलीफ देगी। तो इजलास जो है वो मरियम नवाज की ज़ेर सदारत जो है वो इस वक्त जारी है। ठीक है सुहेल, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।